नौकरशाही मीडिया के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर पहुंचे। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम भारत के मन की बात मोदी के साथ हो में संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा वो उन्हें सालों से जानते हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया है। पीएम मोदी के भ्रष्टाचार पर गोल गोल जवाब देते हुए कहा कि विरोधी कुछ भी बोले कि मोदी जी ने यह काम नहीं किया है, उन्होंने काम अधिक किया और यानी कि मोदी जी को और अधिक काम करना चाहिए, लेकिन कोई माई का लाल उनको उंगली उठाकर उनकी नियत पर सवाल या निशान नहीं लगा सकता है, यह बात कह रहे थे। अब सुने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों बहनों भाइयों तकलीफ होती है। मोदी जी को आज से नहीं वर्षों से मैं जानता हूं, हम लोगों ने साथ काम किया है। आप अन्य आरोप जो लगाना हो लगा दीजिए कि मोदी जी ने काम कम किया, मोदी जी ने काम अधिक किया और मोदी जी को काम करना चाहिए, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर उनकी नियत और ईमान पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता। देश की राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की जानी चाहिए, जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। क्या कभी सोचा था किसी ने जो भारत हमारा दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता लंबे समय तक, और जबकि एक अस्थायी सरकार लंबे समय तक आजाद भारत में रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार रही है। वहीं राफेल मामले पर राहुल गांधी पर निशाना साधा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। इस बारे में सदन में रक्षा मंत्री सब कुछ बता चुकी हैं, फिर भी राहुल गांधी इस मामले पर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि जेपीसी क्यों नहीं करवा रहे हैं। क्या हो गया है? आप कल्पना करिए, किसानों को 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि देने का फैसला हम लोगों ने इस बार के जो इंटरिम बजट था हमारा उसमें किया। आप कहते हैं ये प्रतिदिन के हिसाब से तो 17-17.5 रुपया पड़ेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो आप पेंशन देते हैं 500 रुपये लोगों की, तो क्या आप उनके साथ क्रूर मजाक नहीं करते हैं? क्या 500 रुपये पेंशन में उनका पूरा खर्च नहीं जाएगा? आप उसकी मदद करते हैं, उसकी मदद करते हैं। हम किसान की मदद कर रहे हैं, 6,000 रुपया 4,000 दे गए भैया, थोड़ा बहुत यदि कम पड़े हम 6,000 रुपया आपके खाते में डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा इससे अपनी छोटी मोटी खेती बाड़ी का बीज खरीद लेना, कोई जरूरत पड़े तो खाद खरीद लेना, ताकि तुमको किसी के ऊपर आश्रित न रहना पड़े और तुम अपना उत्पादन बढ़ाओ। तुम्हारा उत्पादन या देश का उत्पादन बढ़ाएगा, देश की आर्थिक ताकत को बढ़ाएगा। यह चीजों को तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से प्रस्तुत किया है, करने की कोशिश लोगों के द्वारा की जाती है। बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजनीति झूठ बोलकर नहीं की जा सकती, राजनीति सही अर्थों में लिखी जा सकती है, तो केवल और केवल सच बोलकर ही राजनीति सही अर्थों में की जा सकती है। राजनाथ सिंह समस्तीपुर पहुंचे और वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। राजनाथ सिंह अपने दौरे पर बिहार की खूब तारीफ की है। राजनाथ सिंह फिलहाल बिहार की सियासी तपिश को देखने की कोशिश कर रहे हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में वो बिहार में ज्यादा सक्रिय दिखाई दें। मैं